अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको स्वात का एक खूबसूरत तरीन इलाका गुरनई की सैर कराएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये गुरनई बेस है और ये गुरनई पुल है। गुरनई बहरेन से 6 किलोमीटर के फासले पर है। ये आप में गुरनई बेस खड़ा हो और गुरनई टॉप तक इंशाल्लाह पैदल 45 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। गुरने कालाम बहरेन रोड पर वाक़ है नाजरीन, ये गुरने ट्रैक है। 45 मिनट्स में मैं पहुंचूंगा गुरने टॉप। गाड़ी के ज़रिए आसानी के साथ 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप गुरने टॉप पहुंच सकते हैं। यार मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीऊँगा। गुरने ट्रैक आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है और आसानी के साथ अगर पैदल आप टॉप तक जाएंगे तो 45 मिनट में आप आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। जी नाज़रीन, ये छोटा सा नाला है और ये नाला फिर दरवाज़े स्वात के साथ किदाम एरिया में मिलता है। ये सामने छोटे छोटे दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक पेड़ का ट्री है और यहाँ के लोकल लोग इसको बंच कहते हैं। जलाने के लिए बंच यानी क्वर्कस की लड़की बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे और महंगी भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुरने टॉप तक पहुँच गया हूँ। ये गुरने टॉप है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के मौसम के हवाले से बात करूँगा। जून और जुलाई के महीनों में यहाँ पे मौसम इंतहाई खुशगवार होता है और इसकी दो मेन रीज़न है। एक तो ये कि यहाँ पर गने जंगलात है चीड़ सनूबर और दियार की, और दूसरी ये कि इसकी बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 13,000 फीट है जो कि गबिनजबा से भी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 80% घर दियार की लकड़ी से बने हुए हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल भी मौजूद है। ये वादी मशरक़ के जानिब कालाम रोड पर वाक़िया है। तो नाज़रीन ये गुरनई वैली है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।